हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं साईं बाबा के मंदिर और हमें यहाँ पर करना है, मतलब मुझे नहीं, भाभी को करना है यहाँ पे अपना 16 सोमवार का उद्यापन। तो आज हम आ गए थे इस साईं बाबा के मंदिर में। अब आप कहेंगे 16 सोमवार का है तो इस साईं बाबा के मंदिर में क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर शिव परिवार भी है फ्रेंड्स। और यहाँ पे भाभी ने नंदी के कान में कुछ कहा है, कहते हैं ना कि नंदी के कान में कुछ कह दो तो विशेष पूरी हो जाती हैं। और अब हम चलते हैं अपने साईं बाबा के मंदिर के अंदर। और गाइस, आज इतनी अच्छी बात रही कि यहाँ पे मंदिर पूरा ही खाली पड़ा था और इतने आराम से पूजा हुई है ना। देखिए, यहाँ पर मंदिर में कोई भी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर थर्सडे को ज़्यादातर लोग आते हैं। फ्रेंड्स, मंदिर में आ गए थे और यहाँ पर आज मंदिर बिल्कुल खाली पड़ा है। पंडित जी भी बाहर बैठे हैं, ये देखिए। और ये हमारा यहाँ का मंदिर है साईं बाबा का। आ गए हैं, ये साईं बाबा का मंदिर है, लेकिन यहाँ पे सारी ही मूर्तियां रखी गई हैं। शिव परिवार भी यहाँ पर पूरे बैठे हुए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना, हम पहले यहाँ पे बोल के गए थे कि जब भी हमारी भविष्य पूरी होगी तो हम यहाँ पे आके कपड़े पहनाएंगे इनको। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे आ गए हैं और मैं और भाभी यहाँ पे अभी कपड़े पहनाएंगे इनको। पहले भाभी पानी लेने गई हैं, पहले इनको हम नहलाएंगे, फिर अच्छे से इनको कपड़े वपड़े पहनाएंगे, टीका विका करके, आरती वरती करके यहाँ पे इस तरह से हम अपना उद्यापन करेंगे। और यहाँ पे हम लेके आए हैं 5.5 किलो हम लेके आए हैं दूध। उसमें से कुछ दूध तो हम पंडित जी को दे देंगे, कुछ चढ़ा देंगे और कुछ को हम बांट के प्रसाद के रूप में बांट देंगे। और भाभी लेके आ गई थी यहाँ पे एक बाल्टी भर के जल, और इस जल के अंदर हमने गंगा जल भी मिलाया हुआ है। और पहले ही इसी गंगा जल से हम सारे देवी देवताओं का सबका जलाभिषेक करेंगे। पहले हम सादे पानी से और गंगा जल से ही करेंगे, उसके बाद में और बाकी चीज़ों से करेंगे जैसे दूध से। पहले भाभी ने सभी ये जो सारे पूरे शिव परिवार को गंगा जल से नहला दिया था, और भाभी अच्छी बाल्टी भर के लाई थी और भाभी ने खूब सारे जल से नहलाया था उनको आज। एक तो पता है कि आज जल्दी नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि ज़्यादा कोई पब्लिक भी नहीं थी। जब ज़्यादा होती है तो हमें थोड़ा काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और ये देखिए हमारी पोशाक है जो हम कल लेके आए थे शिव जी के लिए। और यहाँ पे भाभी दूध भी लेके आई थी, फिर अब हम इनका दूध से अभिषेक करेंगे। पहले सबसे पहले हमने शिवलिंग का ही किया है, उसके बाद में हम बाकी देवी देवताओं का करेंगे। देखिए, अपनी श्रद्धा होती है, सभी की अपनी अपनी श्रद्धा होती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई दूध से कर रहा है तो आपको भी दूध से ही करना है। आपके पास जितनी कैपेसिटी है आप उसी हिसाब से ही करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लोग कर रहे हैं तो हमारी भी जब भी विशेष पूरी होगी, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आपको जैसे ठीक लगता है आप उसी हिसाब से कीजिए, लेकिन मन में श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। भाभी ने देखिए सबका दूध से अभिषेक कर दिया है। अब इसके बाद ना, यहाँ पर सबका अभिषेक होने के बाद में हम लेके आए थे यहाँ पे शिव जी के लिए माला। तो हमने यहाँ पे शिवलिंग को माला पहना दी है, और एक और माला हम लेके आए थे वो हमने माता पार्वती को पहना दी है। और हमने यहाँ पे वो भी लेके आए थे भांग, धतूरा, बेल के पत्ते, जो भी शिव जी को प्रिय होता है हम सभी वो चीज़ें लेके आए थे, क्योंकि इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और हमारा उद्यापन भी अच्छे से हो जाए, इसलिए हम सारी चीज़ें लेके आए थे यहाँ पर। और यहाँ पर भाभी ने सभी को देखिए फूल चढ़ा दिए हैं सभी भगवान जी को, और अब हम उनके कपड़े पहनाने शुरू करेंगे जो हम कपड़े लेके आए थे। और ये देखिए, सबसे पहले भाभी ने शिव जी को, इसको बोलते हैं मृक्षाला बोलते हैं इसको, पहले ये पहनाया था शिव जी को, और उसके ऊपर से फिर हमने माला निकाल के फिर हमने दोबारा से माला चढ़ाई थी, क्योंकि इस तरह से वो अच्छे से फिट नहीं हो रहे थे। उसके बाद हमने माता पार्वती जी को कपड़े पहनाए थे, और इनका ना ये जो लहंगा जो आया था बनके, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था, बिल्कुल फिट आया था। हमें भी आइडिया नहीं था, क्योंकि हम भी कई दिन पहले गए थे साईं बाबा के मंदिर, तो हमें खुद ही ध्यान नहीं था कि वहाँ पे मूर्तियाँ जो हैं कितनी बड़ी है। लेकिन जब हमने कपड़े पहनाए तो उनको बिल्कुल एकदम फिट आ गए थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे, क्योंकि माता का, इनका, देवताओं का सभी का कलर, मतलब रेड हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, रेड येलो यही कलर होते हैं सभी देवी देवताओं के। तो और उसके बाद में हमने गणेश जी को पहनाया था, इनके मतलब सभी देवताओं को बिल्कुल फिट कपड़े आए थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इनकी ना रस्सियाँ थोड़ी छोटी थी तो हमने इसमें कलावा बांध दिया था पीछे, ताकि ये काफ़ी टाइम तक रुके रहे और अच्छे से बंधे रहे। फिर भाभी ने थोड़ा सा कलावा लपेट के इनको जब बांधा था तो बिल्कुल सही अच्छे से हो गए थे। उसके बाद में देखिए इनके दुपट्टे जो हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे कि इनके साथ में दुपट्टे भी आते हैं ये, और इनको ना इनके साइड में, मतलब जैसे हाथ में जैसे हम दुपट्टे पहनते हैं ना, ऐसे ही साइड में रख दिए थे, और इतने प्यारे लग रहे थे ना देखिए।
और सभी को कपड़े पहनाने के बाद में ना हम यहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे हमने शिव जी को यहाँ पे जनेऊ पहनाया था, यहाँ पे जनेऊ था, ये हम रेडीमेड ही लेके आए थे, जनेऊ पहना दिया था। और इनका एक वो लेके आए थे अंगोछा, अंगोछा होता है ना, टावल सा होता है छोटा सा, तो वो भी लेके आए थे, वो भी हमने शिवलिंग पे रख दिया था यहीं पे। और उसके बाद में हमने माता रानी का श्रृंगार चढ़ाना शुरू कर दिया था। इससे पहले हमने इनको बिंदी लगाई थी और मांग मांग भरी थी, जो भी श्रृंगार के सामान होते हैं नॉर्मली, जो भी पाँच सात चीज़ें होती हैं वो हम लेके आ गए थे, सिंदूर, बिंदी और चूड़ी, मेहंदी, रोली, ये सब चीज़ें हम लेके आ गए थे। इनकी हमने मांग भी भर दी है और चूड़ियाँ भी चढ़ाई थी, जो भी सारा श्रृंगार का नॉर्मल सामान होता है हम वो लेके आ गए थे। और माता रानी बहुत ही सुंदर लग रही थी, ये देखिए भाभी ने इनकी लिपस्टिक भी लगाई थी, जैसे लिपस्टिक के बिना लेडीज़ अधूरी होती है ना, ऐसे ही। और यहाँ पे इनका कलावा बांध दिया था, और भाभी पता है इस कलावे को भूल गई थी, फिर वापस जाके मंदिर में पहुँचने के बाद फिर भाभी वापस बाहर आई और फिर से दोबारा से कलावा लेके गई थी। और यहाँ पे ना हमने पंडित जी को भी बुलाया था, क्योंकि जैसे उद्यापन करते हैं ना तो उसमें संकल्प छुटवा लेते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो हमने पंडित जी से कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कुछ चावल वगैरह हाथ में रखे थे, चावल फूल और ही पत्ता था कुछ, तो उससे करके फिर पंडित जी ने संकल्प छुटवा दिया था। सोमवार व्रत उद्यापन पूर्ण हेतु हम उद्यापन संकल्प संकल्प छुटवाने के बाद में हमने फिर यहाँ पे आरती की थी, चालीसा पढ़ी थी, और उसके बाद में अपने स्तर पर उद्यापन पूरा किया। यहाँ पे हमने चालीसा पढ़ ली थी और आरती वगैरह सब कुछ करने के बाद में हमारा उद्यापन बिल्कुल अच्छे से संपन्न हो गया था। फिर यहाँ पे जो देवी माता थी ना, हमने उन्हें चुन्नी वगैरह उड़ा दी थी, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। तो देखिए हमारी इस तरह से पूजा संपन्न हुई थी, और सारे देवी देवता देखिए हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं इन वस्त्रों में। और बस भाभी की पूजा वगैरह सब कुछ हो गई थी, तो उसके बाद में मैंने भी पूजा कर ली थी। यहाँ पे मैं आ गई थी, यहाँ पे मैंने भी सभी देवताओं के पैर वैर छू लिए थे, क्योंकि भाभी ने सब कुछ वैसे श्रृंगार तो उनका सब कुछ कर ही दिया था। तो इस तरह से मैंने भी अपनी पूजा कर ली थी, सभी देवताओं के पैर छू कर, उनसे आशीर्वाद लेकर। और उसके बाद में बस फिर हम अपने घर आ गए थे। यहाँ पे हमने एक दो फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाए थे, देखना मैं आपको आगे दिखाती हूँ अभी, मैंने और भाभी ने। और ये हमने पंडित जी का दूध रख दिया था, और ये देखिए हमारी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। और ये देखिए ये जो हमारा मंदिर है ना, ये इसकी काफ़ी मान्यता है, यहाँ पे हम काफ़ी टाइम से जा रहे हैं, और यहाँ पे जाके ना एक अलग ही सुकून सा मिलता है। ये थोड़ा सा वैसे तो ऑन रोड ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा काफ़ी अंदर से चल के है, ये खूब बड़ा है, तो यहाँ पे काफ़ी शांति रहती है, और यहाँ पे आके ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देवी माता की मूर्ति है जो आज खुली हुई थी, यहाँ पे शीशे वगैरह सब कुछ इनके, क्योंकि नवरात्रि चल रही हैं। तो फ्रेंड्स हमने बड़ी श्रद्धा से अपना उद्यापन समाप्त कर लिया है, बाद में फ़ोटो भी खिंचा लिए थे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।